हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद के विधानसभा क्षेत्र जहां से वह चुनाव लड़ते हैं वहां पहुंचे थे और विकास को लेकर आजकल बहुत ज्यादा गंभीरता से अधिकारियों के बीच जाकर अपनी बातों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल रखते हैं। एक एक बात पर उनकी नजर भी रहती है और हर परियोजना पर भी उनका फोकस रहता है। अब बात थी गौशाला का निरीक्षण करने की, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एसपी के लिए मुश्किलें पड़ गई। दरअसल करनाल के एसपी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को थोड़ा गुस्सा आ गया, फटकार लगाई उनको। दरअसल एक और बात यहां पर बताने योग्य वो यह है कि रूट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ा नाराज दिखाई दिए। मुख्यमंत्री का गौशाला में कार्यक्रम था निरीक्षण करने का, इसी दौरान अचानक से उनके रूट में थोड़ा बदलाव किया गया। अब खराब सड़क थी, बताया गया कि इसके बजाय उनको लंबे रास्ते से ले जाया गया है गौशाला में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला दूसरी सड़क से गया, पहले जहां जिस रूट से जाना था वहां से नहीं गया। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जब इस बारे में जानकारी मिली तो तुरंत एसपी को उन्होंने मौके पर बुलाया और पूछा कि मेरा कीमती समय है, 10 से 12 मिनट मेरी खराब कर दिए, जो समय है वो और कहीं भी लगा सकते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खराब सड़क के बारे में कहा कि वो मैंने देखनी थी, खराब देखूंगा तो ठीक भी होगी ना, ये बात कही। एक बार वो बातचीत हम सुनवाना चाहते हैं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसपी को खूब खरी खोटी सुनाई। ये शहर की खराब चीज मैं नहीं देख पाऊंगा क्या? खराब देखूंगा तो ठीक होगी। आप लोग हवा में घुमाते रहो ना, ये निर्णय आपका था या किसी डिस्ट्रिक्ट कंसल का था? गलत है, मेरे 10 मिनट की कोई कीमत नहीं। आपने सड़क के खराब पता करता नहीं, कितना दूर घूम के आया? फिर 10-12 मिनट खराब हो गए, मैंने देखना है, आपने देखना है। ये शहर की खराब चीज मैं नहीं देख पाऊंगा क्या? खराब देखूंगा तो ठीक होगी। आप लोग हवा में घुमाते रहो ना, ये निर्णय आपका था या किसी डिस्ट्रिक्ट कंसल का था? गलत है, मेरे 10 मिनट की कोई कीमत नहीं। आपने सड़क के खराब पता करता नहीं, कितना दूर घूम गया, फिर 10-12 मिनट खराब हो गए। बात तो ठीक भी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देखना है, उनका विधानसभा क्षेत्र भी था। अगर खराब सड़क है तो अधिकारियों को मुख्यमंत्री को नहीं बताना चाहिए, या अगर अधिकारी खुद ही लापरवाह ना हो और समय पर काम हो जाए तो ऐसी नौबत भी ना आए कि फटकार भी किसी को लगानी पड़े। और एसपी साहब को ऐसा क्यों सूझी और क्यों उन्होंने किया, ये वही जान सकते हैं।